नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे हरियाणा एसएससी का, जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है और ये इवनिंग सेशन का है, आफ्टरनून सेशन का है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या किनारा का पर्याय नहीं है? तो इसका आंसर है दोखा, एक किनारे का पर्यायवाची नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर दो है, दिए गए शब्द का विलंब शब्द चुनिए। तो शब्द है उतार, तो उतार का विलंब शब्द होता है चढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, डंका बजाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो डंका बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रभाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, तीलियां शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो जो तीलियां होती हैं उनका एक वचन होता है उसका तिल्ली, माचिस की तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, किताब शब्द का सही बहुवचन चुनिए। तो किताब का बहुवचन होता है किताबें, ना कि किताबों, ये किताबें होता है सही इसका बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः, ये सिनोनिम है यानी कि पर्यायवाची। ट्रेजिक का पर्यायवाची होता है ड्रेडफुल। क्वेश्चन नंबर सात है एंटोनिम, ये विपरीतार्थक शब्द होता है। एंटोनिम का मतलब एंटर, एंटर का अपोजिट होता है एग्जिट। क्वेश्चन नंबर आठ है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइडियम किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अकम्प्लिश टू थिंग्स एट द सेम टाइम यूजिंग जस्ट वन एक्शन, यानी कि दो कामों को एक साथ करना, एक एक्शन में दो ही काम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें से करेक्ट वर्ड नहीं है ये कुक्ड, ये जो वर्ड है कुक्ड, इसको सही करना है। इसका सही जो फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म, वो आएगी कुक, डिड यू कुक माई फेवरेट आइटम फॉर डिनर, क्योंकि यहाँ पे डिड पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्वेश्चन नंबर टेन, ये इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इसमें वर्ब की फॉर्म भरनी है, क्या आएगा? आई हैड माई हेयर स्ट्रेटन्ड एंड स्टाइल एट द न्यू ब्यूटी पार्लर, तो स्टाइल्ड आएगा क्योंकि ये पास्ट काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेदों में कर्मवारी में तीसरा वेद कौन सा है? तो तीसरा वेद है साम वेद। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, जनवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो भारत की सीमा सात देशों से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 आया, भारतीय संविधान में मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में जो धाराएं हैं उनकी संख्या है 395, इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति चुनते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वो भारत की राज्यसभा और लोकसभा दोनों के चुने हुए और नामनिर्दिष्ट सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गुप्तकालीन मोहरें निम्न में से कौन सी जगह में मिली थी? तो ये मिली थी मित्ताहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वैश्य समुदाय के उद्गम संदर्भ में खालिस्तान का बड़ा महत्व है, तो किसका महत्व है? अग्रोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लक्ष्य है कि 40% हरियाणा भूमि जंगल और पेड़ों से भर दे। कितनी भूमि जंगल पेड़ों से भर दे? तो 20% जंगल और पेड़ों से भरने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुड़गांव में स्थित है, सुल्तानपुर झील के नाम से वो एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, झज्जर जिले में खालिस्तान का विकास डिजिटल गांव के रूप में हुआ था, कौन से गांव का हुआ है? संखोल गांव का, ये डिजिटल गांव है। क्वेश्चन नंबर 21, 2019 में मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल अम्बेसडर पुरस्कार हरियाणा की किसको मिला? तो ये मिला रितु लिखीना को। क्वेश्चन नंबर 22, नई स्थापित जेजेपी पक्ष का चुनाव चिन्ह खालिस्तान है, जेजेपी जननायक जनता पार्टी, तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है चाबी और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एरोस्पेस यूनिवर्सिटी प्रस्थापित करने के लिए हरियाणा के कौन से जिले को चुना गया है? तो ये चुना गया है हिसार जिले को, हिसार जिले में एयर स्पेस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त खालिस्तान ये सरस्वती नदी पुनर्जीवन प्रकल्प में सक्रियता से शामिल है, तो इनका नाम है दर्शन लाल जैन, ये पद्म भूषण से पुरस्कृत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोक शैली रंगमंच सांग की बुनियाद रखने वाले पहली व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाता है किशन लाल भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणवी हास्य कविता के लिए सुरेंद्र शर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको भी पद्म श्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन से थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चांदबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गांवों को प्रदान करने के मामले में हरियाणा देश का खालिस्तान राज्य बना, क्या प्रदान करने में? बिजली प्रदान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर, पहली महिला वकील और 1954 में विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुनी जाने वाली हरियाणा की भी पहली महिला कौन थी? एक तो ये पहली महिला वकील है और ये 1954 में विधानसभा के सदस्य भी चुनी गई और ये हरियाणा की पहली महिला थी, तो ये थी चंद्रावती शेरवन। तो ये कौन थी? चंद्रावती शेरवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, करनाल को खालिस्तान के उत्पादन के लिए धान का कटोरा कहा जाता है, तो किसके उत्पादन के लिए कहा जाता है? बासमती चावल सबसे ज़्यादा करनाल में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्र में हरियाणा की बहती नदियों का संदर्भ आता है? तो आता है वामन पुराण में। वामन पुराण में बहती नदियों का संदर्भ आता है। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोच्च चोटी क्रो हरियाणा के खालिस्तान पहाड़ियों के भौगोलिक क्षेत्र में आती है, तो आती है मोरनी पहाड़ियों के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, 33 क्वेश्चन है, मौसमी नदी घग्गर हरियाणा में खालिस्तान से प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये पिंजौर से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा के सबसे बड़े जिला सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? तो सिरसा का क्षेत्रफल है 4,277 स्क्वायर किलोमीटर और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक भाटिया जी को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार खालिस्तान इस पुस्तक के लिए मिला, कौन सी पुस्तक की इनकी? तो इनकी पुस्तक का नाम था समुद्र का संसार। क्वेश्चन नंबर 36 है, लैपटॉप और डेस्कटॉप खालिस्तान कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं, तो ये हैं माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण, माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? कर्नेल। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी है और मैक भी है। मैक एप्पल का है, विंडोज़ नोकिया फ़ोन में आता है, एंड्रॉयड बाकी फ़ोनों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, बाकी सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस हैं, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड लाइट पैन। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से इंटरनेट का प्रतिकूलता चुने, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो यह है स्पैमिंग, स्पैमिंग करना। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से असंगत बताना है। तो इसमें से है GLO, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी रीजनिंग का है। निम्नलिखित इसके रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या आएगा? तो इसमें आएगा JRB। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज है। इसमें आगे 16 के आगे क्या आएगा? 14। 28 में से 2 गए, फिर उसमें से 4 गए, फिर 2 गए, फिर 4 गए, फिर 2 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, ये यदि AENP का कोड ये दिया हुआ है तो GIKX का कोड क्या होगा? तो एक A से 1, E से 5, N से 14, P का 16, तो G का 7, I का 9, K का 11, X का 24। क्वेश्चन नंबर 44, इफ़ A माइनस B इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 8, तो उसके बाद ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा? तो इसका स्क्वायर आएगा 41। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, एक किताब बेचने वाले ने एक किताब की 240 कॉपियाँ 20% लाभ पे बेची। यदि सभी किताबों का लागत मूल्य 12,000 रुपये है तो सभी किताबों का विक्रय मूल्य क्या है? तो इसका विक्रय मूल्य आएगा 14,400, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 46, ये इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 37, 20% ऑफ 150, यानी कि 150 इंटू 20/100 जमा 10% ऑफ 70, 70 10% कितना होता है? 7, और इसका आएगा 30, तो 37 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है और उनका योग 440 है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या हो जाएगी 160 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 440 में से 160 माइनस कर दिया, 0, 8, 2, 280, और 280 और 160 का अनुपात होता है 7:4। क्वेश्चन नंबर 48, यदि कोई चीज़ स्थिर है और सीधी लाइन में लगातार वेग से जा रही है तो इस पर बल का प्रयोग होने तक यह स्थिर रहेगी या सीधी लाइन में लगातार वेग से जाती रहेगी? ये सिद्धांत किसका सिद्धांत है? ये तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, यानी कि जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा वो सीधी लाइन में चलती रहेगी और सीधी वेग से। क्वेश्चन नंबर 49 देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स? तो नॉन मेटल कौन सी है, धातु कौन सी है इसमें से? ग्रेफाइट अधातु है, अधातु गैर धातु या अधातु एक ही चीज होती। क्वेश्चन नंबर 50, खालिस्तान डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरे हुए मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, तो ये होते हैं लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में निम्नलिखित सहायक उपकरणों में से कौन से सहायक उपकरण में यू आकार धातु के फ्रेम में दो विभिन्न प्रकार की भुजाएं होती हैं? तो ये होती हैं प्लम्बिंग फोर्क। क्वेश्चन नंबर 52,
विच मेथड इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग अलाउज द होल सर्वेइंग प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेशन ओनली। तो ये कौन सा मेथड आएगा? इसमें आएगा रेडिएशन मेथड से होता है। क्वेश्चन नंबर 53, ये अब सर्वेयर इंस्ट्रक्टर के जो टेक्निकल क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन आए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच मेथड इन ए 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज आल्सो नोन एज ट्रेसिंग पेपर मेथड। तो ये मैकेनिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 54, विच मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज वाइडली यूज्ड टू प्लॉट द डिटेल्स ऑन द मैप्स। तो ये मेथड है इंटरसेक्शन मेथड। 55, लोकल सॉरी व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड बैक बेयरिंग्स व्हेन देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन जो है डिफरेंस 180 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट सर्वेयर कंपास। तो इसका आंसर है डी, साइटिंग एंड व्यूइंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, व्हाट डज द डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल विल बी जीरो। तो ये एट इक्वेटर पे जीरो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन डू द प्रोपोर्शनेट मेथड इज टू बी यूज्ड टू एडजस्ट द ट्रांसवर्स ग्राफिकली टू करेक्ट द एरर अकर्ड इन कंपास सर्वेइंग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर इक्वली प्रिसाइज। क्वेश्चन नंबर 59, विच पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट सर्वे इज ऑल्सो नोन एज वर्नियर प्लेट। तो यह आएगा अपर प्लेट। क्वेश्चन नंबर 60, वेयर डज द लोअर ट्री ब्रांच इन ए लेवलिंग हेड इज अटैच। तो ये होता है ट्रिपॉड स्टैंड पे अटैच किया होता है इसको। क्वेश्चन नंबर 61, टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजेंटल प्लेन, इसको कहते हैं स्विंगिंग द टेलीस्कोप, यानी कि दूरबीन को घुमाना। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट शुड बी वेरीफाइड ड्यूरिंग हॉरिजेंटल एक्सिस एडजस्टमेंट इन परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ ए थियोडोलाइट। तो इसमें वेरीफाई जो किया जाता है वो किया जाता है हॉरिजेंटल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, यानी कि ऐसे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 सॉरी, सेलेक्ट द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इंटीग्रेट्स द फंक्शन ऑफ टी स्क्वेयर सेट स्क्वेयर स्केल्स क्लिनोग्राफ एंड प्रोटेक्टर। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आएगा वो आएगा मिनी ड्राफ्टर। क्वेश्चन नंबर 64, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स टू ड्रॉ इरेगुलर लाइन्स एंड शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन विद द कैंपास। तो एक फ्रेंच कर्व्स होती है ऐसे करके, वो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द गिवन रूल्स कैन बी फॉलोड व्हेन देयर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर प्लेसिंग एरोज और नंबर्स इन ए ड्राइंग शीट्स। तो इसमें जो रूल्स आता है वो आता है इट कैन बी प्लेस्ड आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 66, चूज द राइट सिंबॉलिक लाइन टाइप इसमें चूज करना है दैट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग डायमेंशंस लाइन्स एंड फॉर द इमेजिनरी इंटरेक्शन ऑफ सरफेस। इसमें से वो कौन सी लाइन है जो डायमेंशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं और इमेजिनरी इंटरसेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो है कंटिन्यूस थिन लाइन, इनके लगातार जो पतली लाइन होती है वो। 67 नंबर क्वेश्चन है, चूज द कमांड दैट हेल्प यू टू ड्रॉ ए सर्कल इन ऑटो कैड। तो सर्कल के लिए सी एंटर होता है, सी एंटर। और एल होता है लाइन के लिए, पी एल होता है पॉली लाइन के लिए।
और सेल होता है सेंट्रल लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। 68 है, सिलेक्ट द की फीचर्स इन ऑटो कैड दैट हेल्प्स टू लॉक कर्जर मूवमेंट आइदर इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कर्जर को लॉक कर देता है वो होता है ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ऑर्थो व्यूज होता है नीचे की बार में। क्वेश्चन नंबर 69, सेलेक्ट द फंक्शन की दैट इज यूज टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट डायनेमिक यूसीएस। तो जो डायनेमिक यूसीएस होता है उसके एक्टिवेट करने के लिए F6 को एंटर किया जाता है, और डीएक्टिवेट करने के लिए भी दोबारा से F6 को एंटर किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 70 है, चूज द कीवर्ड शॉर्टकट दैट कैन बी यूज इन ऑटो कैड टू सेव ए ड्राइंग एज ए न्यू फाइल। तो न्यू फाइल सेव करने के लिए ऑटो कैड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, विच सर्वेइंग मेथड यूज इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडिंग द गिवन एरिया इनटू मैनी नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि किसी सर्वेक्षण पद्धति में दिए गए क्षेत्रों को कई त्रिभुज में विभाजित करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका किया जाता है चेन सर्वेइंग। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन ज्वाइंस टू फिक्स्ड ज्वाइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन। तो ये कौन सी सर्वे लाइन आएगी, इसमें कौन सा ज्वाइंट्स आएगा, तो ये आएगा टाई लाइन। क्वेश्चन नंबर 73, सेलेक्ट द चेन सर्वे स्टेप इन विच एन इंडेक्स स्केच इज प्रिपेयर्ड। तो जो इंडेक्स स्केच प्रिपेयर किया जाता है वो किया जाता है रिकोनेसेंस, यानी कि आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पर्पज ऑफ चेक लाइन यूज इन चैन सर्वेइंग, यानी कि उस विकल्प का चुनाव करना है जो चैन सर्वेक्षण में प्रयुक्त चेक लाइन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये इससे संबंधित नहीं है। इट ज्वाइंस द अपेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन ओनली वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच टाइप ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग इज यूज व्हेन देर आर नो ऑब्स्टेकल्स इन द फील्ड एंड पॉइंट्स आर नियर टू इच अदर। तो इसमें आएगा सिंपल लेवलिंग, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल लेवलिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच टाइप ऑफ लेवलिंग स्टाफ हैज ए स्टाफ ऑफ 3 पीसेज विद द अपर वन सॉलिड एंड लोअर 2 हेलोज होलोज। तो इसमें आएगा टेलोस्कोपिक स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न लेवल में से कौन सा डंपी लेवल और वाई लेवल का संयोजन है। तो इसमें कोक्स रिवर्सेबल लेवल। क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन डज द आईपीस लेंस इन द टेलीस्कोप ऑफ द लेवलिंग इज कॉल्ड एज इरेक्टिंग आईपीस। तो व्हेन आईपीस इज इरेक्ट द इमेज इनटू ए नॉर्मल वेव। क्वेश्चन नंबर 79, वेयर शुड बी द एनालिटिक लेंस टू बी प्लेस्ड इन एलिमिनेट एंड एडिटिव कॉन्स्टेंट इन ए सर्वेइंग प्रोसेस। तो इसको किया जाता है फिटेड बिटवीन द आईपीस ऑफ द टेलीस्कोप एंड ऑब्जेक्ट लेंस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच अमंग द फॉलोइंग सेटअप इज ए टैकोमीटर इज कॉल्ड एज स्टेडिया हेयर्स। तो इसका आंसर आएगा द टेलीस्कोप इक्विप्ड विद 2 हॉरिजेंटल हेयर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, इन विच मेथड ऑफ टैकोमेट्री द स्टेडिया हेयर कैन बी मूव्ड बाय यूजिंग ए माइक्रोमीटर स्क्रू। मूवेबल हेयर मेथड। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। इसमें है विच टाइप ऑफ रोड कैन बी प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन अवेलेबल। तो
तो इसमें आएगा कंकर रोड्स। चूना पत्थर की अच्छी मात्रा उपलब्ध होने पर किस प्रकार की रोड बनाई जाती है? तो चूना पत्थर से कंकर की सड़कें बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच कर्व इज डिफाइंड एज ए कर्व ऑफ वेरियल रेडियस? तो इसका आंसर आएगा ट्रांजिशन कर्व। वेरिएबल रेडियस के लिए ट्रांजिशन कर्व का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच टर्मिनोलॉजी इज इन सिंपल कर्व रेफर टू पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ द कर्व? तो इसका आंसर आएगा PC। सरल वक्र में कौन सी शब्दावली वक्रता के बिंदु दर्शाती है? PC वाली दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बट्रेस डैम? बट्रेस डैम नहीं किया जाता यूज़ वेरिएबल रेडियस के लिए, इसका टाइप नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो इरिगेशन मेथड? वो कौन सा नहीं है? वेल इरिगेशन मेथड, नलकूप सिंचाई। इसमें प्रवाह नहीं होता है, इसमें से नीचे से पानी निकाला जाता है, बाकी सारा प्रवाह का है, बाढ़ भी, चिरस्थाई भी, भंडारण भी। क्वेश्चन नंबर 87 है, द डिकन्स फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द फ्लूड डिस्चार्जेस? तो ऑप्शन नंबर ए, Q इज इक्वल टू CA 3/4। क्वेश्चन नंबर 88, एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी इन ग्रुप डी? तो ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग इनेबल्स टू ट्रांसमिट द डेड लोड्स, लाइव लोड्स एंड अदर लोड्स टू द सब सॉइल? यानी कि भवन के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा मृत भार, जीवित भार और अन्य भार को अधोभूमि में हस्तांतरित करने में सक्षम बनाता है? तो वो होती है उसकी नींव, फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 90 और ये आखिरी क्वेश्चन है, ये है, द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ एन एंट्रेंस डोर इज थ्रेशोल्ड? ऑप्शन नंबर सी, प्रवेश द्वार के नीचे बनाए गए संरचना को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर था, ITI इंस्ट्रक्टर, हरियाणा SSC के द्वारा प्रोवाइड किया गया, इसके आंसर की। थैंक यू।